नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। हरिद्वार हर की पौड़ी पर प्रशासन के द्वारा चॉपर की मदद से कावड़ यात्रियों पर फूलों की वर्षा की गई। फूलों की वर्षा होती देख कावड़ यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके चलते भोलेनाथ के जय घोष से हर की पौड़ी क्षेत्र गुंजायमान हो गया। आपको बता दें कि प्रशासन और शासन के द्वारा इस बार कावड़ यात्रियों को स्वागत अलग ही तरीके से किया जा रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जूस और फल का वितरण कर कावड़ यात्रियों को राहत दी जा रही है, तो कहीं खुद मुख्यमंत्री के द्वारा हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर कावड़ यात्रियों के चरण धोकर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। और अब हरिद्वार प्रशासन के द्वारा चॉपर की मदद से हर की पौड़ी क्षेत्र पर कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर हरिद्वार पहुंचे कावड़ यात्रियों का फूलों से स्वागत किया गया। ये पुष्प वर्षा हर की पौड़ी से प्रारंभ होकर संपूर्ण कावड़ पटरी होते हुए नारसन बॉर्डर तक की गई। सभी विदित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि कांवड़ यात्रियों का उत्तराखंड की देवभूमि में हर तरह से उनका स्वागत हो, सत्कार हो, उनकी हर तरह की सेवा की जाए, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। और पिछले दिनों उन्होंने स्वयं आकर चरण प्रक्षालन किया था, उसी कड़ी में उनके द्वारा निर्देश है कि हमारे पूरे कांवड़ मार्ग पर जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाए और उनके प्रति एक सम्मान प्रदर्शन होना चाहिए। उसी कड़ी में भी हम लोग इसकी करीब 2 से 3 बजे के बीच में इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास।